नमस्कार, वंदना जोशी चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे चना दाल और मेथी की भाजी की सब्जी। तो ये हमने मेथी की भाजी ली है, इसको अच्छे से धो के और बारीक काट के रखा है। और ये चना दाल है, इसको हमने 4-5 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और अब ये बिल्कुल अच्छी नरम हो गई है। और ये नमक है, ये हल्दी पाउडर है, और ये राई है, और ये कटे हुए पीस उसके अदरक के हैं, ये धनिया पाउडर, और ये गीली वाली लाल मिर्ची है जिसका भी हम पेस्ट बनाएंगे, और ये हरी मिर्च है, और ये लाल मिर्च पाउडर है, और ये हींग है। अब सबसे पहले हम ये मिक्सर में ये जो लाल हरी मिर्च है इसको डालेंगे, और ये दो दो पीस हमने इसके हरी मिर्ची के रखे हैं, और ये अदरक इसमें डाल के और इसका पेस्ट बनाएंगे। अब ये हमने जो गीली लाल मिर्च थी वो और दो हरी मिर्ची और ये अदरक इसको मिक्सर में पीस के हमने निकाल लिया है। और अब ये जो हमने इसमें गैस पर 2 टेबल स्पून तेल रखा है, तो अब जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें तड़का लगाएंगे। अभी हमारा तेल गर्म हो गया है, आंच को हमने अब धीमा कर दिया है, और इसमें अब ये हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं, और ये हमने जो पेस्ट बनाया था हरी मिर्ची और गीली लाल मिर्ची अदरक का ये डाल दिया, और ये हींग डाल दी, और अब इसको हिलाएंगे। थोड़े लाल मिर्च पाउडर, अभी हमने गीली लाल मिर्ची डाल दी है, तो लाल मिर्च पाउडर ऑप्शनल है, आप अगर और तीखा बनाना चाहें तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। ये हमने इसमें ये अच्छे से हमारा भुन गया है मसाला, अब ये हम इसमें चने की दाल डाल रहे हैं। ये मेथी की भाजी और चने की दाल जब बन जाती है तब खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है। अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डाल के और इसमें थोड़ा पानी डाल के और ढक के रख देंगे। ये हमने नमक डाल दिया है और इसको एक बार हिला देते हैं, और इसमें आप 1 कप के करीब पानी डाल देते हैं, और जब ये पूरी तरह से पक जाएगी तब फिर हम इसमें मेथी की भाजी डालेंगे। अब इसको हम ढक के रख देते हैं। अब हम ये देखते हैं इसमें हटा के ये ढककर कि हमारी दाल पकी है कि नहीं पकी। इसमें से एक दाल को निकाल के हम दबा के देखते हैं। इसमें ये दाल हमारी पक गई है, अब इसमें हम ये मेथी की भाजी डाल रहे हैं। और अब 5 मिनट के लिए वापस से हम इसको ढक के रख देंगे। हमने वैसे लाल मिर्ची का जो गीली वाली लाल मिर्ची उसका पेस्ट बनाया था, अब थोड़ा सा हम ये इसमें लाल मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रहे हैं, और बस अब इसको अच्छे से हिला के और 5 मिनट के लिए इसको पकने के लिए रख देंगे। चने की दाल और भाजी अगर बनाए तो कुकर में नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि दाल वो ज़्यादा अगर पक जाती है तो वो अच्छी नहीं लगती है। अभी हमारी चने की दाल और मेथी की भाजी की सब्जी तैयार हो गई है, और ये बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखी जाती है, ये इस तरह के इसकी कंसिस्टेंसी रहती है, और ये खाने में बहुत स्वादिष्ट लगती है।
और इसमें बस ये है कि इसको कुकर में ना पकाए, कढ़ाई में दाल को भगा रहे और 5 मिनट के बाद फिर भाजी को डालें और सब मसाले दाल में बगारने के बाद, दाल डालने के बाद सब डाल दी देना चाहिए। और ये जो दाल है इसको 4-5 घंटे पहले पानी में भिगो कर और फिर बनाना चाहिए, तो ये जल्दी बन जाती है। इसको बनने में केवल 10 मिनट लगे हैं। यदि आपको मेरा ये चने की दाल और भाजी का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।